हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं सौरभ एक बार फिर आपके साथ। फ्रेंड्स, आज जो है हम बीएड थर्ड ईयर की करने जा रहे हैं, सेकंड चैप्टर यूनिट सेकंड, जो कि ये आपका पेपर में 20 नंबर का पक्का आएगा। और सॉरी थोड़ा वीडियो लेट हो गया इस बार आने में, पर चलिए कोई बात नहीं। पर आपको मैं एक विश्वास दिलाता हूँ कि आप इस वीडियो को देखेंगे तो इस वीडियो को एक बार में ही देख के इस टॉपिक का पूरा क्लियर कर देंगे, इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। और ये पेपर जो पेपर में आपका हर बार ही बनता है क्वेश्चन, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ठीक है। तो हमारा जो चैप्टर है इसका नाम है आज शीत युद्ध। तो इसमें हम जो है शीत युद्ध के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि शीत युद्ध क्या था, कैसे बना और कैसे इसका उदय हुआ, ये सब चीज़ें इसके अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि शीत युद्ध का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, शीत युद्ध का तात्पर्य जो है ऐसे वातावरण से होता है जिसके अंदर युद्ध होने की स्थिति बनी रहती है पर असल में युद्ध नहीं होता, उसको हम शीत युद्ध की डेफिनेशन कहते हैं, परिभाषा कहते हैं, ठीक है। और एक ही नहीं, इसकी परिभाषा हम काफ़ी तरीके से दे सकते हैं। इसमें किसी थिंकर ने तो अपना विचार नहीं दिया है, ये अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादा थिंकर होने की वजह से पढ़ने में समझने में ज़्यादा दिक्कत होती है। और हम ये भी कह सकते हैं कि शीत युद्ध जो है वो अस्त्रशास्त्र से ना लड़ा जाकर अन्य साधनों से लड़ा जाता है, यानी कि अस्त्रशास्त्र से ना लड़ा जाके किसी और साधन से लड़ा जाता है। और इसमें यानी क्या होता है कि इसमें किसी भी व्यक्ति की हत्या नहीं होती, परंतु इस युद्ध के कारण जो है भयानक सर्वनाश हो जाता है और लाखों लोगों की हत्या होने की संभावना उत्पन्न हो जाती है। ऐसी संभावना, ऐसी स्थिति बन जाती है कि जिसमें लाखों लोग मर सकते हैं, पर इसमें डायरेक्ट आदमियों को नहीं मारा जाता, ठीक है, इनडायरेक्टली भी कह सकते हैं हम एक बार को। तो शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध है जिसका कारण क्षेत्र मनुष्य का मस्तिष्क है, ठीक है। शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध है जिसका युद्ध क्षेत्र जो है, रणभूमि क्षेत्र जो है, वो उसका मनुष्य का दिमाग होता है, वो दिमाग से लड़ा जाता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि तलवार लियो चला दिया, ठीक है। इसको हम शीत युद्ध की संज्ञा कहते हैं या फिर इसे शीत युद्ध का अर्थ कहते हैं या परिभाषा। यह मनुष्य के मन से लड़ा जाने वाला युद्ध है और यह विभिन्न देशों में संबंध को घिनौना व गंदा करता है। जो भी देशों के बीच संबंध थे, ठीक है, उन सब चीज़ों को यह घिनौना करता है, उनको उनके बीच में गंदगी फैलाता है, गंदा करता है उनके संबंधों को। शीत युद्ध जो है 1945 में हुआ सबसे पहले स्टार्टिंग में, ठीक है, और यूएसए और यूएसएसआर के बीच हुआ ये शीत युद्ध। और इसे शीत युद्ध की संज्ञा जो है 1947 के आसपास दी गई। इस युद्ध में जो है अमेरिका जो है साम्यवाद को स्वतंत्र और विश्व शांति का सूत्र बताते हुए रूस के प्रभाव के विस्तार को रोकने का प्रयास करता है, यानी ठीक है, यहाँ प्रयास होएगा, रोकने का प्रयास करता है, और हंगरी आदि भी इन चीज़ों को रोकने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ये होता है इसका अर्थ हमारा, वैसे अर्थ आपका मोटा मोटा का देखा जाए तो अर्थ सिर्फ इतने में ही आता है, ठीक है। और आता है शीत युद्ध का प्रारंभ। अब देखिए, शीत युद्ध का प्रारंभ या उदय या फिर कारण, तीनों इसके एक ही चीज़ हैं, ठीक है। पर मैंने फिर भी थोड़े थोड़े अलग करवा दिए हैं, पर आपके तीनों चीज़ एक ही हैं, ये कि शीत युद्ध का प्रारंभ कैसे होता है। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति पर जो है विश्व में प्रथम कोटि की दो महाशक्तियाँ रह गई, यूएसए और यूएसएसआर, ठीक है, ये दोनों महाशक्तियाँ रह गई दूसरे विश्व युद्ध खत्म होने के बाद। ब्रिटेन, अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी यूरोप एवं एंड या एवं कुछ भी कह लीजिए, यूरोप एवं शक्तियां मिलकर पश्चिमी खेमा कहलाती हैं, यानी कि इसमें जो देश शामिल थे मुख्य रूप से देखें ब्रिटेन, अमेरिका और जो भी पश्चिमी देश हैं, ठीक है, पश्चिमी यूरोपीय देश हैं, वो सारे मिलके वो जो है पश्चिमी खेमा कहलाती हैं, तथा सोवियत संघ व उसकी पूर्वी यूनियन या और उसकी मित्र शक्तियाँ जो भी हैं, ठीक है, उनका जो संगठन है वो सब मिलकर पूर्वी खेमा कहलाती हैं। परमाणु हथियार के साथ शीत युद्ध का उदय, एक पॉइंट इसमें यह भी दिया गया है, टाइटल कह लीजिए पॉइंट कह लीजिए, एक ही बात है दोनों, ठीक है, और कारण भी हमको कह सकते हैं। तो देखिए, परमाणु कूटनीति शीत युद्ध के प्रारंभ होने का जो है मुख्य कारण बनी, और युद्ध के दौरान सामान्य हित की रक्षा के लिए दो विरोधी विचारधारा वाले देशों के साथ मिलकर लड़े, दो विरोधी कौन, यूएसए और यूएसएसआर, ठीक है। परंतु जब यह स्पष्ट हो गया कि सहयोगी शक्तियों की विजय निश्चित है, जो भी सहयोगी शक्ति थी उनके दूसरे सामने वाले की उनकी विजय निश्चित है, तो इन दोनों देशों के बीच जो है पुराने कुर्ता, एक मिनट फ्रेंड, यहाँ पुराने कुर्ता नहीं है, पुरानी कुर्ता है, ठीक है,
पुरानी कुटता, सॉरी कुटता, यहाँ पुरानी कुटता, पुरानी कुटता और अविश्वास फिर से सामने आने लगा। परंतु यह स्थिति तब बनी रहे जब तक अंतिम शत्रु ने आत्मसमर्पण नहीं कर दिया, यानी कि खुद को अन्य दूसरों के हवाले नहीं कर दिया, ठीक है, आत्मसमर्पण नहीं कर दिया। तो इसका मतलब सारा कुछ आपका मतलब पॉइंट में बनाया हुआ है, ठीक है, और इसमें इस वजह से आपको ज़्यादा हार्ड नहीं पड़ेगा, बहुत ही ईजी पड़ेगा अगर मैं इस हिसाब से अगर आप पढ़ते हैं तो, ठीक है, और पक्का आने वाला है 20 नंबर का ये। युद्ध के दौरान अमेरिका जो है ब्रिटेन के साथ मिलकर परमाणु बम के विकास में लगा हुआ था, व्यस्त था, ठीक है, अमेरिका जो है वो ब्रिटेन के साथ मिलकर परमाणु बम का निर्माण करता जा रहा था, जिसका फल क्या हुआ कि फलन के युद्ध में रूस और उसका सहभागी था, ठीक है, उसको काट दीजिए, फलन जो था वो गलत वर्ड आ गया, कई बार टाइपिंग नहीं हो पाती सही से, ठीक है। तो देखिए युद्ध के दौरान जो है अमेरिका मतलब ब्रिटेन के साथ मिलकर परमाणु बम बनाने में बिजी था, ठीक है, और युद्ध में जो है रूस भी उनका सहभागी था, यानी कि रूस जो था वो भी उसका साथी था, पर फिर भी उन्होंने ये बात जो है रूस को बताई नहीं कि हम परमाणु बम बना रहे हैं, ये इन चीज़ों को बना रहे हैं, ठीक है, उस बात को उन्होंने गुप्त रखा। और अमेरिका द्वारा 1945 में जो है जापान पर परमाणु बम हमला कर दिया गया, परमाणु बम डाल दिए गए, ठीक है, और इसने जो है अविश्वास को और ज़्यादा बल दिया, क्योंकि इन दोनों चीज़ों का ही रूस को नहीं बताया गया था, और रूस भी काफ़ी बड़ा देश है, ठीक है, और ये दोनों चीज़ उसके नहीं बताई गई थी, इस वजह से उसको उसके बीच में अविश्वास पैदा हो गया, यानी कि विश्वास नहीं रहा उसे उसके ऊपर, ठीक है। और आते हैं हमारे शीत युद्ध के कारण, कि शीत युद्ध होने के कारण क्या थे, तो देखिए क्रांति के समय सोवियत व्यवस्था का पश्चिमी राष्ट्र द्वारा विरोध, यानी कि उस समय जो क्रांति चल रही थी उस समय सोवियत व्यवस्था जो थी उसने पश्चिमी राष्ट्रों का विरोध किया, पश्चिमी राष्ट्र द्वारा उसका विरोध हुआ। इंग्लैंड और फ्रांस आदि पश्चिमी देशों में साम्यवादी क्रांति की व्यवस्था को कुचलने के लिए अपनी सेनाएं उसने रूस में भेज दी थी। सोवियत सरकार की स्थापना हो जाने के बाद भी पश्चिमी राष्ट्रों ने उसको मान्यता प्रदान करने में बहुत दिनों तक आनाकानी की, यानी कि उसको माना नहीं, काफ़ी दिनों तक वही करते रहे कि नहीं ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उसको काफ़ी दिनों तक आनाकानी की। और इसका एक मुख्य कारण यह था कि अलग अलग गुटों का होना। 1945 के बाद बहुत से देश आज़ाद हुए थे, जिनमें से जो है अब कुछ लोग अमेरिका के गुट में शामिल हो गए तो कुछ लोग USSR के गुट में शामिल हो गए। USSR ने जो अपना गुट बनाया उसे वासा संधि का नाम दिया गया, या इसे वासा पैक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है, वासा संधि या वासा पैक्ट का नाम दिया गया। और अमेरिका ने जो गुट बनाया उसे नाटो का नाम दिया गया। ये दोनों मुख्य रूप से नाम आप याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और इसका एक मुख्य कारण था वर्चस्व की लड़ाई, जब शीत युद्ध शुरू हुआ जिसका मुख्य कारण जो है वर्चस्व की लड़ाई थी, वर्चस्व यानी दबादब कायम करना, अपना दबदबा, ठीक है। USA का मानना था कि वह पूरे विश्व में शक्तिशाली है, सबसे शक्तिशाली है, और USSR का भी यही मानना था कि वह पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, इस वजह से वह बाकी देशों के ऊपर अपना वर्चस्व कायम करना चाहते थे। और इसका एक मुख्य कारण है दूसरा मोर्चा। सन 1940 में जो है हिटलर ने रूस को भारी जनधन की क्षति पहुँचाई, यानी कि 1940 में जो है हिटलर ने रूस को काफ़ी पैसों से उसका नुकसान हुआ, जिससे रूस के नेता ने मित्र राष्ट्रों से यूरोप में नाजी पौधों के विरुद्ध, एक मिनट, या पौधों नहीं कुछ हो रहेगा, देख लेता हूँ एक बार मैं, सॉरी दोस्तों मैं लिखने में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई इस बार, जल्दी जल्दी मैंने क्योंकि सारा काम किया है, क्योंकि पेपर ज़्यादा नज़दीक आ गया ना, तो इसमें पौधोनिया फोजो है, ठीक है, नाजी फोजो, और यहाँ सन जो है आपका सन भी 1943 है, बाकी सब मैंने चेक कर लिया है, बाकी सब बिल्कुल ठीक है, ठीक है, उसकी आप चिंता मत कीजिए। तो शुरू से करते हैं इसको, देखें दूसरा मार्च ये रखा गया है टाइटल, इसमें जो है सन 1943 में हिटलर ने रूस को भारी जनधन की क्षति पहुँचाई, काफ़ी नुकसान पहुँचाया उसने, तब रूस के नेता ने मित्र राष्ट्रीय जो भी इसके रूस के वो थे राष्ट्रीय दोस्त जो भी थे जो उसकी साइड थे, उसने अपने यूरोप में नाजी फौजों के विरुद्ध दूसरा मोर्च खोल देने का अनुरोध किया, ताकि नाजी सेना का रूसी सीमा पर दबाव कम हो, रूसी आएगा, ठीक है, ताकि नाजी सेना का रूसी सीमा पर दबाव कम हो सके। अमेरिका तथा ब्रिटेन इस बात को लेकर शांत रहे, पर उसके बाद उसका परिणाम क्या हुआ कि जर्मन के आक्रमण से रूस को भयानक जनधन की क्षति पहुंची, काफ़ी नुकसान हुआ उसको। आता है क्यूबा मिसाइल संकट, अप्रैल 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट शुरू हुआ,
और क्यूबा को आर्थिक सहायता जो है वो यूएसएसआर दे रहा था। उस समय जो है यूएसएसआर का शासन था तथा यूएसएसआर ने क्यूबा में 1961 में अपने हथियार रखवाना शुरू कर दिया। ठीक है, अपने हथियार रखवाना शुरू कर दिया ताकि युद्ध के समय यूएसए के ऊपर आसानी से वो हमला कर सके। अमेरिका को जैसे इस बात का पता चला तो उसने अपने मंत्री क्यूबा में लाकर खड़े कर दिए और अपने भी उसने हथियार जमा करवाए। ठीक है, और इसका एक मुख्य कारण ये भी था कि विचारधारा का अलग अलग होना। अमेरिका और यूएसएसआर दोनों ने ही अलग अलग विचारधारा को अपना रखा था। यूएसए ने पूंजीवाद को अपना रखा था, वहीं यूएसएसआर ने जो है साम्यवाद को अपना रखा था, साम्यवादी को। ठीक है, साम्यवाद या साम्यवादी, साम्यवाद वो होता है जो सरकार को बढ़ावा देता है, पूंजीवाद वो होता है जो पैसे को बढ़ावा देता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें हथियारों की होड़। यूएसए और यूएसएसआर दोनों ही देशों ने परमाणु हथियार को बहुत अधिक मात्रा में बढ़ावा देना शुरू कर दिया और उसी प्रक्रिया ने जो है शीत युद्ध को और ज़्यादा मात्रा में बढ़ा दिया। उपनिवेश में राष्ट्रवादी सम्मेलन, उपनिवेश यानी इसके गुलाम देश जो होते हैं, उपनिवेश यानी गुलाम होता है। ठीक है, उपनिवेश में राष्ट्रवादी सम्मेलन, युद्ध के बीच जो है विभिन्न उपनिवेशों के निवासियों ने ब्रिटेन, फ्रांस तथा अमेरिका आदि साम्राज्यवादी विदेशों सरकारों के विरुद्ध राष्ट्रवादी आंदोलन छेड़ दिए। सोवियत संघ को इस आंदोलनकर्ता से सहानुभूति थी, इसलिए ये भी इसका मुख्य कारण बनता है। परमाणु बम के रहस्य को गुप्त रखना, अमेरिका में परमाणु बम का निर्माण हुआ तो उसने इंग्लैंड को तो अवगत कर दिया, यानी कि जैसे ही परमाणु बम का निर्माण अमेरिका में हुआ तो उसने इंग्लैंड को तो बता दिया, पर सोवियत संघ में इस बात को गुप्त रखा। और इसी प्रकार जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराते समय अमेरिका ने इंग्लैंड से तो परामर्श किया, परामर्श यानी सलाह ले ली, पर उसने सोवियत संघ की पूर्ण अवहेलना की उसने बिल्कुल बात नहीं बताई इसको, और बिना बताए बम छोड़ दिए गए। ठीक है, और रूस ने जो है अमेरिका पर विश्वासघात का आरोप लगाया इस चीज़ को देखते हुए, और एक इसका कारण था बर्लिन की दीवार। मैंने अब कुछ ज़्यादा ही पॉइंट दे रखे हैं इसमें, ठीक है, जल्दी से कवर करते हैं इसलिए इनको। इसका एक मुख्य कारण था बर्लिन की दीवार। 1961 में जो है बर्लिन की दीवार बनी, जिस पर अमेरिका और यूएसएसआर ने अपने कब्जे में जमा रखा था। यूएसए ने जैसे उसे आज़ाद कर दिया अपनी तरफ से, तुरंत ही यूएसएसआर ने उसे अपने कब्जे में ले लिया, जिससे दोनों के बीच फिर से मतभेद उत्पन्न हो गया। यूएनओ में यूएसएसआर की भूमिका, तो विशेष अधिकार, एक वीटो पावर का इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, वो वीटो पावर जो है वो एक देश को मिली थी, दूसरे को नहीं मिली थी। विशेष अधिकार यूएसएसआर ने, यानी कि यूएसएसआर ने जो है यूएनओ में वीटो पावर का इस्तेमाल किया, जिसके कारण जो है अनेक राज्य यूएनओ के मेंबर नहीं बन सके। साथ ही उसके अनेक महत्वपूर्ण मुद्दे जो थे वो भी सफल नहीं रहे, वो वीटो पावर का इस्तेमाल किया था उसमें। ठीक है, इटली का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अमेरिका और इंग्लैंड इटली में जो है अपना यथास्थिति स्थापित करना चाहते थे और इसके लिए वे पुलिस और अन्य तत्वों की सहायता देना चाहते थे। उनकी इन नीति से सोवियत संघ जो है असहमत था, वो बिल्कुल भी इस बातों से सहमत नहीं था, पर दोनों शक्तियों के खेमों के बीच जो है शीत युद्ध निरंतर चलता रहा। इन्हीं चीज़ को देखते हुए उसके बीच फिर शीत युद्ध को बढ़ावा मिला या फिर उससे शीत युद्ध चलता रहा। शीत युद्ध जो है 1950 में यूरोप से एशिया में पहुंच गया, 1950 में यूरोप से शीत युद्ध चलता चलता एशिया में पहुंच गया। तब उत्तरी कोरिया सोवियत हथियारों तथा चीनी सैनिकों के मदद से लड़ रहा था। उत्तरी कोरिया जो है वो सोवियत हथियारों की वजह से लड़ रहा था, सोवियत हथियार और चीनी सैनिक की मदद से लड़ रहा था, जबकि संयुक्त राष्ट्रीय सेना के नाम पर जो है अमेरिका, दक्षिण और कोरिया लड़ रहे थे, यानी कि उनकी तरफ से वो लोग खड़े हो गए थे। ठीक है, आता है शीत युद्ध में ठहराव। 1963 से 1968 के बीच शीत युद्ध में ठहराव आया। 1963 में आंशिक परीक्षण निषेध संधि, ये संधि मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसकी। ठीक है, इस संधि में जो है 1967 में बाहरी अंतरिक्ष संधि एवं 1968 में परमाणु संधि के ऊपर समझौते हुए, जिससे कि शीत युद्ध में काफ़ी हद तक ठहराव आया। ठीक है, और इसके बाद आता है हमारा नया शीत युद्ध। कई बार नया शीत युद्ध का क्वेश्चन भी सिर्फ बन जाता है अकेला 10 नंबर का, तो इसको इसलिए क्लियर कर लीजिए। 1975 से 1979 के बीच जो है शीत युद्ध में शक्ति संतुलन सोवियत संघ के पक्ष में लगातार बढ़ रहा था। सोवियत संघ के पक्ष में जो है ये शक्ति संतुलन काफ़ी बढ़ता जा रहा था और सोवियत संघ ने जो है
अफ्रीका के एक बहुत बड़े हिस्से पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया। उसने इतना ज़्यादा कब्जा स्थापित कर लिया, ठीक है। और उसके साथ ही ईरान में 1979 के दौरान अमेरिका को एक और धक्का लगा कि इसमें क्या धक्का लगा, ये सब नया शीत युद्ध में आता है हमारा, ठीक है। इसमें क्या धक्का लगा कि 1979 में जो है इस्लामिक क्रांति के बाद कट्टर अमेरिकी विरोधी माने जाने वाला आयतोल्ला, ठीक है, आयतोल्ला खोमेनी ने ईरान के शाह, जो कि ईरान के शाह थे, जो कि अमेरिका के सुरक्षित सहयोगी माने जाते थे, उन्होंने मतलब बिल्कुल इसका तख्ता पलट कर दिया। अब वो इसके विरोध करने लग गए जो इनके साथ थे, ठीक है। दिसंबर 1979 में राष्ट्रपति कार्टर ने हॉटलाइन पर सोवियत नेताओं को चेतावनी दी यदि सोवियत संघ अफगानिस्तान से बाहर नहीं निकला, सोवियत संघ अफगानिस्तान के ऊपर अपना कब्जा जमाने के लिए उसके अंदर घुस गया था, ठीक है। तो राष्ट्रपति क्या नाम है, ये सोवियत संघ के राष्ट्रपति ने उनको चेतावनी दी कि अगर सोवियत संघ अफगानिस्तान से बाहर नहीं निकला तो पूरी सोवियत अमेरिका संबंध खटाई में पड़ सकती है, यानी खटाई मतलब उनके बीच और ज़्यादा मतभेद उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। आक्रमण के एक साल के अंदर ही, जैसे हमलावास के एक साल के अंदर ही 1980 में सोवियत संघ को निर्यात किए जाने वाले अन्न यानी खाने पीने की चीज़ें एवं उच्च तकनीक, जो भी तकनीक उसको दी जा रही थी, अमेरिका ने उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। और एक और आता है कि शीत युद्ध का प्रभाव क्या पड़ा, ठीक है, कारण खत्म होते हैं, आता है प्रभाव। प्रभाव मैंने बहुत शॉर्ट में बताए हैं आपको, देखिए। तो शीत युद्ध का मुख्य प्रभाव पड़ा, पहला है कि पूरा विश्व जो है वो दो गुट में बट गया। अब जो है पूरा वर्ल्ड एक वर्ल्ड की तरह दिखाई ना देकर दो भाग में दिखाई दे रहा था, यानी दो गुट दिखाई दे रहा था, यूएसए और यूएसएसआर, ठीक है। दूसरा है कि हथियारों की होड़ को बढ़ावा, दोनों ही देशों ने जो है शीत युद्ध के प्रभाव को देखते हुए हथियारों को होड़ को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देना शुरू किया, जिससे कि जिसमें कि शीत युद्ध का प्रभाव पड़ता है इसका, ठीक है। तीसरा आता है पूरे विश्व में डर फैल गया। तो अब जब इतनी ज़्यादा मात्रा में हथियारों को बढ़ावा दिया हुआ जाने लगा तो उससे काफ़ी सारे देशों को लगने लगा कि भाई अगर युद्ध छिड़ा तो इससे पूरा वर्ल्ड ही तबाह हो जाएगा, क्योंकि इतने इतने तगड़े हथियार परमाणु बम बनाए गए थे जो पूरा वर्ल्ड ख़त्म करने के लिए काफ़ी थे, ठीक है। और छोटे छोटे देशों का महाशक्तियों ने अपने लिए इस्तेमाल किया। इसका एक प्रभाव ये भी पड़ा कि देखिए जो भी छोटे छोटे देश थे उन सबको अपने ओर कर लिया बड़ी बड़ी महाशक्तियों ने, जैसे कि अमेरिका रूस वगैरह, ठीक है, इन सबको अपनी ओर कर लिया गया बड़ी बड़ी महाशक्तियों ने, तो उन देशों को बाकी उन्होंने गुलाम बना लिया। और इसके साथ क्या हुआ कि गुटनिरपेक्षता का उदय हुआ। गुटनिरपेक्षता का इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट है, बाकी अगला जो चैप्टर है उसमें हमारा गुटनिरपेक्षता काफ़ी टाइम तक रहेगा, ठीक है, यानी कि उसमें गुटनिरपेक्षता हम पढ़ेंगे। और गुटनिरपेक्षता कई बार 10 नंबर में आ भी जाता है, ठीक है। और शीत युद्ध की समाप्ति इसमें आती है, शीत युद्ध की समाप्ति, देखिए ये बचा हुआ है थोड़ा सा, बस कभी ख़त्म कर लेते हैं। शीत युद्ध की समाप्ति 1989 से 1990 के बीच जो है शीत युद्ध की समाप्ति हुई। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था एक ठहराव के दौर से गुजर रही थी, क्यों, क्योंकि तेल की कीमत में भारी गिरावट की वजह से विदेशी मुद्रा में भी भारी कमी आ गई थी, विदेशी मुद्रा जो थी उसमें भारी कमी आ गई थी। और संकट के दौर से गुजर रहे सोवियत संघ को पुनर्विकास के मार्ग पर लाने के लिए जो है गोर्बाचेव, ठीक है, गोर्बाचेव ने उपाय तलाशना शुरू किया, और गोर्बाचेव ने ही जो है शीत युद्ध की समाप्ति की थी, ठीक है। और मतलब इतनी ज़्यादा मात्रा में हथियारों को बढ़ावा दिया जाने लगा कि जिससे कि सब इन देशों की सारी अर्थव्यवस्था डगमगा गई, खराब हो गई, ठीक है। उसको फिर से पुनः विकास करने के लिए, रीडेवलप करने के लिए गोर्बाचेव जो है उन्होंने तलाशना शुरू किया कि इसको कैसे ख़त्म किया जाए, अब काफ़ी टाइम हो गया चलते चलते, ठीक है। 1987 में जो है गोर्बाचेव ने पुनर्निर्माण नामक आर्थिक सुधार कार्यक्रम की घोषणा की, ठीक है। पुनर्निर्माण उसका एडिट कर देता हूँ मैं, पुनर्निर्माण नामक आर्थिक सुधार कार्यक्रम की घोषणा की। और नया सोवियत नेता पश्चिमी के साथ हथियार की होड़ से ध्यान हटाकर सोवियत संघ के गति आर्थिक हालात को सुधारने में इन्होंने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई, ठीक है, इन्होंने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। अपने दल के अंदर ही उत्पन्न विभिन्न गुटों के विरोध में, जो भी इनके दल थे उनके जो अंदर ही वो थे गुट, उनके विरोध में, उनसे विरोध के निपटने के लिए गोर्बाचेव के साथ ही खुलेपन की नीति को लागू किया। गोर्बाचेव ने जो है खुलेपन की नीति को लागू किया, और जो इनके कुछ देश थे वो भी अपना विरोध करने लग गए थे काफ़ी टाइम से, क्योंकि सब देशों से पैसा आ रहा था और एक जगह लगाया जा रहा था कोई एक मुख्य देश में, इन दो देशों के बीच में, ठीक है।
तो जो देश पैसा ले रहा था वो तो अपनी आर्थिक स्थिति सही तरीके से एक बार कर पा रहा था, बाकी देशों की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा डगमगा रही थी। जिसके अंतर्गत क्या हुआ कि प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ाया गया और राज्य के विभिन्न संस्थाओं के क्रियाकलाप में जो है पारदर्शिता लाना शामिल था। पारदर्शिता यानी क्लीननेस, ठीक है, क्लियरनेस लाना था, और शस्त्र के लिए लगे होर्ड को कम करने के लिए जैसे मुद्दों पर बातचीत करने हेतु रीगन तैयार हो गए। पहली ऐसी वार्ता जो है वो आपकी जनेवा में हुई, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है, 1985 में हुई थी। जो कि और ऐसा समय भी आया जब दोनों नेता परमाणु शस्त्र में कटौती हेतु तैयार हो गए। दोनों ने कह दी हाँ हम कटौती करने के लिए तैयार हैं, ठीक है, और उसके बाद इसकी समाप्ति होती है। तो एक संस्था और थी हमारे सामने जो आई, वो है IMF। एक हमारी वर्ल्ड बैंक में तो IMF है, ठीक है, पैसिफिक में, इसमें IMF है। IMF संधि के अंतर्गत ही जो है 500 से 5,500 किलोमीटर तक मार करने वाले सभी परमाणु हथियार से लैस धरती से छोड़े जाने वाले क्रूज मिसाइल तथा उनकी आधारभूत संरचना का खात्मा संभव हो सका। यानी कि गोर्बाचेव जो आए उनके जरिए ही INF वगैरह जो संस्था थी सामने आई, और इसी संधि के बीच में ही इन्होंने कहा कि जो 500 से लेकर 5,500 किलोमीटर तक जो भी परमाणु हथियार हैं इतनी दूर दूर तक जो वार कर सकते हैं, और इनका इफेक्ट भी काफ़ी तगड़ा पड़ता था, ठीक है। तो इन चीज़ों को मतलब ख़त्म कर दिया गया, इन चीज़ों को धीरे धीरे ख़त्म करवा दिया गया और कहा दिया गया कि ये दोबारा नहीं बनेगी, ठीक है। इन सब चीज़ों के ऊपर इन्होंने वो करी, और क्रूज मिसाइल जैसे कि गोर्बाचेव तथा बुश ने स्टार्ट पर हस्ताक्षर किए, स्टार्ट उनकी संधि थी उस पर उन्होंने हस्ताक्षर किए, और अगले ही वर्ष में जो है सोवियत संघ को यह स्पष्ट हो गया कि इतनी विशाल फौज के रखरखाव के साथ, सोवियत संघ को मतलब बाद में थोड़ा एहसास हुआ इस चीज़ का, और उसने सोचा कि इतनी विशाल फौज के रखरखाव के साथ, क्योंकि इतनी काफ़ी सारी दुनिया थी, पूरी दुनिया ही थी, ठीक है, काफ़ी सारे देश थे उसमें, तो उसके रखरखाव के साथ तेल और गैस की कीमतों में कटौती में बहुत अधिक आर्थिक क्षति होगी या फिर इनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। 1990 में जो है गोर्बाचेव तथा रीगन के उत्तराधिकारी जॉर्ज बुश ने सीट युद्ध की समाप्ति की घोषणा कर दी। तो 1990 में आपका इस तरह से सीट युद्ध समाप्त होता है, ठीक है, और इसमें बाकी कुछ भी नहीं है, किताब में आपका जो था मैंने सब कुछ पढ़वा दिया है, और एक दो चीज़ और भी दी हुई है वैसे तो इसमें, देखिए जैसे कि यूरोपीय संघ, चीन वगैरह, पर वो आपकी कहीं नहीं आती पेपर में, ठीक है। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पूरी वीडियो देखी, ठीक है, और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हाँ, अगला ही चैप्टर आपको जल्दी ही मिल जाएगा, और देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कि मान लीजिए हमारा ये चैप्टर है, ठीक है, मान लीजिए हमारा ये चैप्टर है, और आपको प्लेलिस्ट कैसे खोलनी है कि देखिए नाम के ऊपर क्लिक कीजिए, चैनल के नेम के ऊपर, जैसे ही आप चैनल के नेम के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से खुल के आएगा। इसमें आप प्लेलिस्ट पे जाइए यहाँ पे, ठीक है, प्लेलिस्ट पे क्लिक मारिए, और एक मिनट, और प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद आप जो भी वीडियो लेना चाहते हैं वहाँ से ले सकते हैं। जैसे कि देखिए ये रहा, मैंने पूरी प्लेलिस्ट डाल रखी है, बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस या फिर SOL एजुकेशन सेकेंड ईयर की, ठीक है, और हिस्ट्री थर्ड ईयर वगैरह, तो और भी यहाँ प्लेलिस्ट हैं, आप यहाँ से जाकर विजिट कर सकते हैं, इनमें आपको सारी वीडियो एक साथ मिल जाएंगे, ठीक है। और ओके, थैंक यू फ्रेंड्स आपका वीडियो देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाएं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में, और बाकी मैं आई बटन में भी ऊपर लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर भी देख सकते हैं। थैंक यू।